मालती नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने पर भक्त मां कालिका देवी के दर्शन के लिए तरस जाएंगे। विशेषरगंज से संग्रामपुर संपर्क मार्ग के भोरे सिंहपुर और सोनारी कनु ग्राम सभा के बीच मालती नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। लगभग एक साल से पुल की अवस्था जर्जर बनी हुई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही का भेंट चढ़ चुका है। पुल का जर्जर हुआ भाग का एक तरफ का हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। जोर से आवाज होने पर जिसको ग्रामीणों ने सुना और भाग कर देखा तो पुल पूरी तरह से दीवार लेकर जमीन की सतह अर्थात पानी में गिरा हुआ था। तब रात्रि में ही कुछ ग्रामीणों ने जंगली बबूल के कांटे रख दिए जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। बगल में उस पुल से पुराना पुल है जिससे पैदल साइकिल से आ जा सकते हैं, भारी वाहन बड़ी दुर्घटना कर सकता है। यह पुल सैकड़ों गांवों के लिए रायबरेली व प्रतापगढ़ को भी जोड़ता है। 36 साल पहले राजीव गांधी ने पुल का निर्माण करवाया था जो कि अब बदहाली के कगार पर है। करीब एक साल से अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। आए दिन सैकड़ों की संख्या में लोग इस पुल पर आवागमन करते हैं। सोमवार के दिन माता कालिका के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों का आवागमन रहता है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते यह पुल बड़े हादसे को दावत दे रहा है। इस पुल पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं जा रही है और ना ही इसका मरम्मतीकरण करवाया जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।